32 सेकंड रहे। नेक्स्ट पार्ट में ऑफिशियल अंकल से अभिषेक चंदन अपनी बच्चे पधारे बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पटेल भाविका। भाविका आप अभी लास्ट आपका अचीवमेंट कौन सा है और कौन से गेम में आपने पार्टिसिपेट करके आई हो? मैं सीनियर नेशनल खेल के आई हूँ, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था और फिर उसके आगे मैं अभी रैंकिंग इंटरनेशनल खेल के आई हूँ बुल्गारिया में। यहाँ पे बुल्गारिया में खेल के आई हो, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे? बहुत अलग अलग कंट्री के लोग आए थे वहाँ पे, बहुत सीखने को मिला हमको, वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचने को मिला कि आगे कैसे कंपटीशन हो सकता है। फ्यूचर में आपका प्लानिंग क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहती हो? मैं बहुत अच्छी रेसलर बनना चाहती हूँ, आगे तक ओलंपिक तक का सोचा है मैंने। आपके साथ आपके कोच बैठे हैं? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे लड़के के बारे में, क्या है पोटेंशियलिटी इसकी? सर काफ़ी पोटेंशियल है बच्ची हमारी, और एक जो उम्मीद थी गुजरात को, एक आस थी कि वे सीनियर के अंदर हमारा मेडल आए, तो ये हिस्ट्री में पहला था कि स्पेशली सीनियर के अंदर इन्होंने कम्पीट किया और उधर मेडल लेके आई, और बैक टू बैक उसके बाद जो सीनियर का दंगल था उसके अंदर भी इसका मेडल आया, और उसके बाद जो बुल्गारिया के लिए टीम जानी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करना था इसमें, तो डैन बोस्को नाम का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जो बहुत सारी कंट्रीज हिस्सा लेती हैं, उसके अंदर इसी ने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और काफ़ी हद तक मैंने इससे पर्सनली बात की कि आप अपने प्रदर्शन से कितना खुश हैं, तो इसने बोला कि सर काफ़ी कुछ खुश हूँ मैं, और आने वाले भविष्य में और अच्छा हमें करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से बाहर के जो कंट्रीज हैं उनकी तैयारी है, ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा मेडिकल जो सिस्टम है न्यूट्रिशन का हमारे लिए थोड़ा सा अलग रहता है, और मैं भी यही आशा करता हूँ और भविष्य में यही चाहता हूँ कि भाई हम और ज़्यादा मेहनत करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें और से और ज़्यादा से ज़्यादा पहलवान हम इधर से निकालें। बेटा CN News और उसकी टीम की तरफ से आपके बेटर फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक।